इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्रीमद् अर्थ की प्राप्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति ने किसको बकर न बना दिया, पद पाकर कौन मदमत्त न हो गया। नहीं को वस है नहीं कोई। दक्ष प्रजापति ने कि यज्ञ ठाना तथा शिव बाबा का निरादर करना। देखिए कभी भी अपनी ओर से किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जब हम आदर करते हैं तो हमको आदर मिलता है। क्यों नहीं निरादर करना चाहिए? जब हम निरादर की सोचेंगे तो सबसे पहले हम अपना निरादर करेंगे, क्योंकि जब तक योजना बनाएंगे तब तक उसी में घुटते रहेंगे। और कहीं जिसका हम निरादर कर रहे हैं वो हमसे भी अधिक महान निकला तो? किसी ने निरादर करने के लिए किसी को बुलाया, सबकी कुर्सियां लगी हैं, अब उसकी कुर्सी नहीं है। अगले ने निरादर नहीं किया, बुलाया इसीलिए, अब वो उससे बुद्धिमान निकल गया, अपना आसन जहां है वहीं जगह बिठा दिया और बैठ के आंख बंद कर लिया। तब वो उसका निरादर न हुआ, जो निरादर के लिए बुलाया है उसको लोग कहेंगे अजीब हो यार, उनको बुला लिए, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े गृहस्थ, ऐसे साधु, अब आपने उनके लिए व्यवस्था भी नहीं बनाई। अब उनका उदार भाव देखो, जहां जगह मिला वहीं बैठ गए। बुलाए हम किस लिए? निरादर करने के लिए। लोग हमारे पर थूथू मचा रहे हैं। ये क्या है? हम किसी का निरादर न करें। अच्छा, आदर करें न करें, निरादर करने पर ओह, गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं मायापति सेवक सन्माया करई तो उलट परई सुर राम। मायापति मने रघुनाथ जी के सेवक। कौन? शिव बाबा। भगवान के सेवकों के प्रति जो उल्टा भाव रखता है तो भगवान आके खड़े हो जाते हैं और उसको खुदे उलाट के टेढ़ा कर देते हैं। करई तो उलट परई सुर राम। और ध्यान रखिएगा, कहां से भगवान शुरू करते? बाहर से नहीं, उसी के घर से शुरू हो जाएंगे। हिरण्यकशिपु के यहां भक्ति कौन किया? प्रहलाद जी। जिस भगवान का विरोध करते रहे वो उसी भगवान का भक्त, उन्हीं का पुत्र बन के पैदा हो गया। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, दसों अंगुली जोड़ के, क्या किसी बात का बेमतलब का विरोध न करें। जिस बात का विरोध करेंगे वो आपके घर में ही पैदा होकर आपको जीते जी ठीक कर देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे यहां घबराओ मत, तेरे यहां ही प्रहलाद जी आएंगे, तेरे को ठीक कर देंगे। जिस जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया उसी के घर में, और उसी विरोधी के जो विरोध करता था उसी के मूर्तियां हजारों बन गईं। जिस जिसने राम जी की निंदा की उसी घर में राम का भजन करने वाले जन्म ले लिए। कभी नहीं, हमारा जीवन समर्थन के लिए हो, अवरोध और विरोध के लिए नहीं। बाबा ने राम नाम सुनाया, राम कथा गाए, माँ बोली आवाज बहुत आ रही है, लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। और हम आप
हमको तो बुलाया नहीं, मेरी पत्नी आप है इसलिए आपको नहीं बुलाया। बुलाने का क्या काम, पिताजी का घर है, अपने आप चली जाऊंगी। यज्ञ है, व्यस्त हो गए होंगे, इतने लोगों को बुलाना है। शिव जी समझ गए, ठीक है व्यस्त हो गए तो आप अकेले चली जाओ। कुछ लोग मानते ही नहीं ना, आ गई बात, नहीं मानते लाला, नहीं माने। दी मुख्य गण संगत तन, पिता के घर जा रहा है मन पति के पास। देखिए मन तो बाबा ने मना किया, इसमें लगा है नहीं जाना चाहिए, पहुंच गई वहां। जैसी कल्पना की माने वैसा स्वागत न भया, मन पहुंचते खिन्न हो गया। अब सोचने लगी माई देखूं जो शिवजी कह रहे थे वो सही है कि गलत। ले अपने से श्रेष्ठ के वचनों में गलत सही नहीं ढूंढना चाहिए श्रीमान जी। मिस्टर यू, जो जैसा कहा जाए वैसा पालन करिए, गलत सही मत ढूंढिए। ये गलत है कि सही है कह तो रहे हैं, जरा पता आओ इसका पता लगावें। सदग्रंथों में कहे गए वचनों को यदि हम मान लेंगे तो हमारा 12 साल 20 साल बचेगा। हम तो मान लेते हैं, हम प्रयोग धर्मी नहीं है, जो लिखा है वो मान के शुरू से कथा करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मान के कथा करते, सुन के सुना के नहीं। आपको मेरी प्रार्थना है मान लो जो लिखा है, आपका समय बचेगा, तप बचेगा, उम्र बचेगी, आगे बढ़ जाएंगे आप। क्योंकि जिसने लिखा है वो अनुभव करके लिखा है साहब, मानो। तन रास्ते में जा रहा, पिता के घर पहुंच गई, मन प्रभु के पास लगा हुआ है, वहां गई। दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुरा, दच्छन कछ पोसी कुशल, सती बिलो की जरे सब गाता। तब उर चढ़े उज शंकर कहे, माँ के चित्त में वो बात आ गई जो बाबा ने कही, बिना बुलाए जाओगी तो सब समाप्त हो जाएगा। माँ ने जाकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और देखा, यज्ञ मंडप की परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए, भगवान का मंदिर हो परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए, परिक्रमा लगाने से यज्ञ करने का फल प्राप्त होता। हाँ, शिव मंदिर में यदि जो जल बहने की दिव्य अर्घा मार्ग हो वो ढका हो तब तो परिक्रमा पूरा करो, नहीं तो अर्धक परिक्रमा कर लो। यदि ढक गया है तो दोष नहीं, समाप्त। ये बात मैंने अभी पढ़ी पुराण में। कोई पूछा नहीं, जैसा सोचा था वैसा मिला नहीं, शिव जी का भाग नहीं, मां को आवेश आ गया। और आवेश आते ही मां ने डपटना शुरू किया, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहु, सो फल तुरत लाभ सब काहु, भले बात पछताव पिताहु, भले बात पछताव पिताहु, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जाता, तासु जीव जो बसाई, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई, जगदात मा महेश पुरारी, जगदात मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदक तेहि, पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजियो तुरत देह ते तो, तजियो तुरत देह ते तो, उर्धर चंद्र मौल विष के तो, उर्धर चंद्र मौल विष के तो, आस कही जो गए अतिनींदन जारा, भयो सकल मत आकारा,
मारे आवेश के सती अम्बा ने सबको डपट दिया, कहा आप लोगों ने मिलकर जो शिव बाबा का मेरे अपमान किया सबको सजा मिलेगी। अच्छा, बोलते बोलते माँ योगाग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन जाते जाते माई ने मांगा, सती मरत हरि सन बैरुमा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहिकार पार्वती तनु पाई। जब से सती अम्बा ने शरीर त्यागा, आहा, लेकिन क्या किया, भगवान श्री हरि अर्थात रघुनाथ जी से वर मांगा, जन्म जन्मांतर शिव जी के चरणों में ही प्रीत दृढ़ हो, जीवन भर बात माने नहीं, जाते जाते मांगा, माँ ने क्यों मांगा इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कथा विसर्जन आज की, प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, राज राम चंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, भवानी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।